How are you all? I welcome you all to the third episode of Tech Tips Tuesdays. आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है. मैं एक सिचुएशन से स्टार्ट करूँगा और फिर हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे. इमेजिन कीजिए एक स्कूल है और वहाँ पे एक टीचर अपने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहा है. अब नॉर्मली स्कूल्स में टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. क्या हो अगर टीचर को इंटरनेट से कुछ कंटेंट उठा के अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना हो तो प्रेजेंट डे में उन्हें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. एक उनको लगेगा कंप्यूटर, दूसरा उनको लगेगा एक प्रोजेक्टर और तीसरा उनको लगेगा एक स्क्रीन जहाँ पे वो प्रोजेक्टर से इमेज प्रोजेक्ट होगी. क्या कोई मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है कि इस प्रोजेक्टर और इस कंप्यूटर से छुटकारा हो और वो स्क्रीन ही एक बड़ा कंप्यूटर बन जाए जो कि एक स्मार्ट स्क्रीन बन जाए जिसकी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम हो और जिसमें हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी करके कंटेंट को दिखा पाए. तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर इज यस. आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ इट इज़ द प्रोडक्ट फ्रॉम डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. उस प्रोडक्ट का नाम है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हब, जिसकी इमेज अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हब है क्या? माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हब इज अ बिग स्मार्ट स्क्रीन जिसकी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है. उसका अपना एक वेब कैमरा है. तो इसके बहुत जो है अच्छे यूसेज है. इस पर आप लिख सकते हो, ये टच एनेबल्ड है और क्योंकि इसकी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ वाली तो इस पर आपके एमएस ऑफिस के सारे ही एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इस हिसाब से. अब बात करेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो इसके मेनली तीन यूसेज हो सकते हैं. पहला यूज़ हो सकता है जब कॉरपोरेट्स में बोर्ड मीटिंग होती है. तो नॉर्मली वो होती कैसे? देर इज़ अ पर्सन हु विल प्रेजेंट इज कंटेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो उसको वही प्रोजेक्टर, स्क्रीन और कंप्यूटर लगेगा. माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हब से क्या होगा, अगर आपने इसको बोर्ड रूम में लगा दिया तो जो पर्सन को प्रेजेंटेशन देना है वो सिर्फ अपनी पेन ड्राइव उस स्मार्ट स्क्रीन में लगाएगा और क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है तो PPT सीधा उसी स्मार्ट स्क्रीन पर रन हो जाएगा. तो आपका PPT बहुत ही पावरफुल होगा और क्योंकि ये रियल टाइम में इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप स्टैटिस्टिकल डेटा भी अपने बोर्ड मेंबर को दिखा सकते हो. इस सरफेस हब का दूसरा यूज़ हो सकता है डिजिटल स्कूल क्रिएशन में. आप बोलोगे कि अभी तो डिजिटल स्कूल्स इंडिया में ऑलरेडी है, बट मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल स्कूल की. अभी जो इंडिया में डिजिटल स्कूल है दैट इज़ दैट कंप्यूटर, प्रोजेक्टर एंड द स्क्रीन. बट स्मार्ट सरफेस हब के आने के बाद नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल स्कूल ऑलरेडी इंडिया में जो है वो सेटअप कर सकते हैं. अब तीसरा इसका यूज़ हो सकता है स्टार्टअप्स में. स्टार्टअप्स में क्योंकि लोगों को कोलैबोरेशन में काम करना होता है तो कई बार जो देखा गया है कि एक राउंड टेबल होता है जहाँ पे स्टार्टअप के एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं और वो अपना काम अपने कंप्यूटर पे करेंगे एंड देन वो एक दूसरे में शेयर करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हब में जो विंडोज़ का वर्जन है दैट इज़ विंडोज़ 10 टीम, ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है कि जिसमें कोलैबोरेशन का फीचर है. मतलब अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई मतलब विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई काम कर रहे हो तो वो इमीडिएटली उस स्मार्ट हब पे रिफ्लेक्ट हो सकता है. तो ये कोलैबोरेटिव स्टार्टअप मीटिंग के लिए इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल जो है वो हो सकता है. वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इंडिया में भी धीरे धीरे जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है. तो ऑफिशियली इसका इंडिया में अभी रिटेल किसी स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा. अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो तो आपको सीधा माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्टैक्ट करके इंपोर्ट करना होगा. इसमें आते हैं दो वेरिएंट, एक है 55 इंच वेरिएंट एंड दूसरा है 84 इंच वेरिएंट. जो 55 इंच वेरिएंट है उसकी प्राइस लगभग गोज़ अप टू $7,000 और जो 84 इंच का जो मॉडल है उसका प्राइस गोज़ अप टू $20,000. बट लेट मी गिव यू वन मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आप इस स्मार्ट माइक्रोसॉफ्ट हब को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो अभी एक रिसेंट न्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आई है कि इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2019 माइक्रोसॉफ्ट अपने इस हब का सेकंड जनरेशन लॉन्च करने वाला है जो कि ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है. तो मेरी आपसे सलाह यही रहेगी कि अगर आप इस सरफेस हब को बाय करना चाहते हैं तो आप 2019 में इसे बाय कीजिए. यू विल गेट अ न्यू प्रोडक्ट. आई होप इस वीडियो से आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिली ही होगी और आप इसका 100% इस्तेमाल
किसी और को सजेस्ट कर सकते हो। इसी तरह चैनल पे आके मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।